ऐसा मिथ है कि जो सात चिरंजीवी हैं वही विष्णु जी के अवतार हैं, तो ये सच है? नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं। सात चिरंजीवी अलग हैं और दशावतार अलग हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि इन सात चिरंजीवियों में से ज्यादातर जो चिरंजीवी हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से विष्णु जी से जुड़े हुए हैं। कैसे? हनुमान जी जो हैं वो असल में शिव जी के अवतार हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको वो राम भक्त थे और उनको राम भक्त बनने का ये के वजह से ये वरदान मिला कि अब वो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा जिनको श्राप मिला है, उस श्राप देने वाले कृष्ण हैं, कृष्ण फिर विष्णु अवतार थे। विभीषण इन सात चिरंजीवियों में आते हैं, रावण के भाई, उनको इस बात का ये वरदान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने धर्म का साइड लिया, उन्होंने राम का साथ दिया अपने सगे भाई के खिलाफ और रावण को मारने में मदद की। राम फिर विष्णु अवतार हैं। राजा बलि हैं जिनको जिनके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था और उनको पाताल में ढकेला था, वो फिर इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो जो चिरंजीवी हैं वो ज़्यादातर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिससे जुड़े हुए हैं वो विष्णु जी, लेकिन दशावतार में नहीं है। नहीं, दशावतार नौ आ चुके हैं, एक आएंगे, वो बिल्कुल अलग कहानी है। ओके।